चलिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर इज वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव्स अपने आप में एक अलग पूरा का पूरा सेक्शन है। ऐसा मान सकते हो कि ये मैकेनिक्स से काफ़ी हद तक डिफरेंट है। हालांकि इसमें काफ़ी अच्छा खासा यूज जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी रहेगा। वेव्स में अगर हम देखें तो तीन चैप्टर हैं। सबसे पहले वेव ऑन स्ट्रिंग, सेकेंड वन इज साउंड वेव्स एंड थर्ड इज वेव ऑप्टिक्स। पहले दोनों जो चैप्टर हैं वो हमारे क्लास 11th के पोर्शन हैं और जो थर्ड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स या फिर लाइट वेव्स ये हमारे क्लास 12th का पार्ट है। ये हमारे क्लास 12th का पार्ट है। तो हम पहले ऑफ कोर्स वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव चाहे कोई सी भी हो, चाहे वेव ऑन स्ट्रिंग हो, चाहे साउंड वेव्स हो, चाहे लाइट वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या फिर किसी और प्रकार की वेव हो, सबके ही जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो मोर और लेस सेम ही होते हैं। और जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मोर और लेस अगर सेम होते हैं तो एक ही वेव को पढ़ लेने से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम बार बार अलग अलग वेव्स के अंदर अप्लाई भी करते हैं। इसलिए इन तीनों को एक साथ पढ़ना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजियर रहता है। बट जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th क्लास अलग अलग पढ़ते हैं वो पहले इन दोनों को पढ़ते हैं और 12th क्लास में फिर वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। लेकिन मोर और लेस आप ऐसा कह सकते हो कि जो कोई कॉन्सेप्ट हम वेव ऑन स्ट्रिंग चैप्टर में डेवलप करेंगे वही कॉन्सेप्ट्स बार बार आपके साउंड वेव्स और वेव ऑप्टिक्स में लगातार आते जाएंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले डिफाइन करते हैं वेव। वेव एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करने का वो मोड है, वो रास्ता है जिसके अंदर मीडियम पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे आज तक हम क्या पढ़ते आए थे कि जो मास है वो अपने साथ एनर्जी लेकर जाया करता था। जैसे मान लो कि हमें किसी के सर पर, किसी के हेड पर वर्क डन करना हो तो हम क्या करते थे कि एक बड़ा सा पत्थर लिया करते थे, उस पत्थर को हम कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी दिया करते थे, ऐसे फेंक दिया करते थे और जहाँ जहाँ वो पत्थर जाया करता था वहाँ वहाँ अपने साथ वो काइनेटिक एनर्जी लेकर जाया करता था। जैसे वो पत्थर कहीं गया 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 किसी के सर से भिड़ा, जैसे ही सर से भिड़ा अब वो वहाँ पर अच्छा खासा इम्पल्सिव फोर्स भी लगा सकता है और ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता है और तो और उस सर के अंदर डिफॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब इस पत्थर के पास एनर्जी है और ये पत्थर एनर्जी अपने साथ लेकर आया। इन दिस केस द एनर्जी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द मास। ये मास जहाँ जहाँ पहुँचा एनर्जी वहाँ वहाँ पहुँची। पूरी मैकेनिक्स के अंदर हम लोगों ने यही देखा कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी तो वो किसी मास के साथ जाएगी, किसी मास के साथ जाएगी। इवन करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में अगर देखो तो करंट अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है तो उसमें ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। उस केस में भी कोई ना कोई चार्ज या मास एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो अपने साथ एनर्जी लेकर जाएगा। वेव जो है वो टोटली डिफरेंट है। वेव के अंदर किसी भी मैटर का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना जरूरी नहीं है और बिना मैटर के डिस्प्लेसमेंट के भी एनर्जी अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो हम कहते हैं कि दिस एनर्जी इज ट्रांसफरिंग बाय ए मोड नोन एज वेव। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिएगा। वेव इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर in which net displacement of medium particles is not required.
मीडियम पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिक्वायर्ड ना हो, उसके बावजूद अगर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज बाय द मोड ऑफ वेव, बाय द वे ऑफ वेव। जैसे चलिए कुछ एक और डिस्कशन करते हैं किस किस तरह की वेव्स वगैरह होती हैं, हम धीरे धीरे सारी सारी बात को हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है जिसके अंदर इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे एक लाइन के अंदर खड़े हैं, खूब सारे लोग हैं इस तरह से लाइन के अंदर खड़े, बिल्कुल सट के खड़े, खूब सारे लोग हैं ऐसे एक लाइन के अंदर खड़े, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ऐसे खूब सारे लोग खड़े। यहाँ एक आदमी आता है और वो क्या करता है कि अपने से जस्ट आगे वाले आदमी को ऐसे एक हल्का सा एक पुश देता है। जैसे ही इस आदमी ने इस आगे वाले इंसान को एक हल्का सा पुश दिया, उस पुश के कारण ये आदमी हल्का सा इम्बैलेंस होगा। जैसे ही आदमी इम्बैलेंस होगा वैसे ही आदमी हल्का सा अगले वाले आदमी पर गिरेगा, अगले वाले इंसान पर गिरेगा। जैसे ही अगले वाले इंसान पर गिरेगा उसके बाद ये इंसान तो संभल जाएगा, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन अब इस आदमी का जो बैलेंस है वो हट गया है। अब ये इम्बैलेंस हो गया है और इम्बैलेंस हो गया है तो अब ये एक तरह से हल्का सा ऐसे सामने की तरफ गिरेगा। जैसे ही सामने की तरफ गिरेगा ये इंसान आगे वाले इंसान को पुश करेगा, जैसे ही ये इंसान अगले वाले इंसान को पुश करेगा ये किसी तरह से अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन तब तक इसने अपना मोशन जो है वो अगले वाले इंसान को दे दिया है। अब जैसे ही इस आदमी के पास हल्का सा जर्क आया तो ये इंसान भी इम्बैलेंस हुआ, जैसे ही इंसान इम्बैलेंस हुआ इसने अगले वाले आदमी को पुश किया, जब इसने अगले वाले इंसान को पुश किया उस टाइम पर खुद तो संभल गया लेकिन अपना जो इम्बैलेंस था, अपनी जो डिस्टर्बेंस थी उसने अपने आगे वाले इंसान को दे दी। ऐसे करते 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 कभी ना कभी जो सबसे आगे वाला इंसान होगा वो भी एक बार के लिए कभी ना कभी थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ। जैसे ये इंसान आगे वाला इम्बैलेंस हुआ तो ज़रा सोचिए कि इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आई, उस एनर्जी सबसे पहले जैसे ही सबसे लास्ट वाले इंसान ने आगे वाले इंसान को हल्का सा एक पुश दिया तो ये इंसान अपनी जगह से इम्बैलेंस हुआ, ये इंसान अपनी जगह से इम्बैलेंस हुआ तो ये अगले वाले इंसान पे हल्का सा लीन हुआ। जैसे अगले वाले इंसान पे हल्का सा लीन हुआ इसने अपना इम्बैलेंस, अपना जो इम्बैलेंस था वो अगले वाले इंसान को दे दिया और ये खुद किसी तरह से वापस से अपनी स्टडी स्टेट पे आ गया। फिर इस इंसान भी अपनी जो एक्चुअल पोजीशन थी वहाँ से हल्का सा डिस्टर्ब हुआ, जैसे डिस्टर्ब हुआ ये आगे हल्का सा आगे वाले इंसान पर गिरा, जैसे आगे वाले इंसान पर गिरा या किसी तरह से अपने आप को तो संभाल लिया लेकिन इसने अपनी डिस्टर्बेंस या फिर अपना इम्बैलेंस अगले इंसान को दे दिया। इस अगले इंसान के पास जैसे हल्का सा डिस्टर्बेंस आया, हल्का सा जर्क आया तो इसने वही जर्क ऑफकोर्स आगे सारे के सारे इंसान चिपके में खड़े आगे वाले इंसान को हल्का सा जर्क दे दिया। इसी तरह से हर इंसान आगे वाले को जर्क देता गया देता गया देता गया देता गया, एक तरह से अपना इम्बैलेंस देता गया देता गया देता गया, एक तरह से अपनी डिस्टर्बेंस लगातार देता गया देता गया देता गया, तो आखिरी वाला जो इंसान है वो भी कभी ना कभी उस डिस्टर्बेंस को या फिर उस इम्बैलेंस को फील करेगा और एक इंस्टेंट के लिए सही उस सबसे आगे वाला जो इंसान है उसके पास हल्का सा एक झटका आएगा और उसकी हल्की सी एक एनर्जी आएगी। ऑफकोर्स अगर उसके पास मोशन आएगा तो हल्की सी उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब जरा ध्यान से देखो तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो कहां से आई है, तो आप बोलोगे सर वो एनर्जी ऑफ कोर्स इस इंसान से आई है, लेकिन क्या उस एनर्जी के यहां से यहां तक ट्रांसफर करने के लिए कोई मास यहां से यहां तक गया है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई मास नहीं गया, हाँ ये जरूर है कि एक डिस्टर्बेंस गई है यहाँ से चलते 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 यहाँ तक, एक इम्बैलेंस गया है यहाँ से यहाँ तक और वो डिस्टर्बेंस जो गई है वो अपने साथ मोमेंटम लेकर गया, अपने साथ एनर्जी लेकर गई है। दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम एनर्जी एंड डिस्टर्बेंस इज नोन एज सिंपली वेव। तो आप कह सकते हो कि इधर से इधर लेफ्ट से राइट डिस्टर्बेंस जा रही है
या फिर बड़ा क्या कह सकते हो, मोमेंटम जा रहा है और तो और एनर्जी भी जा रही है। मोमेंटम तो जा ही रहा है बेटा, क्योंकि शुरुआत में मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी आ गई, फिर इसके पास इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी आ गई, इसके पास आ गई, इसके पास आ गई। तो इस तरफ मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, इस तरफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस तरफ डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है, एंड दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस और मोमेंटम और एनर्जी विदाउट द ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स इज नोन एज सिंपली वेव्स। यही हमारी वेव्स, ठीक है बेटा। मान लीजिए कि सबसे पहले वाले इंसान ने t=0 पर धक्का लगाया, वही धक्का लगातार चलते 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 टाइम t=t0 पर सबसे आगे वाले इंसान ने उस धक्के को, उस जर्क को फील किया। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो लेट से l है, तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि यहां से यहां तक जो वेव की वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगी वो आएगी, इस डिस्टरबेंस ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आप बोलोगे सर डिस्टरबेंस ने डिस्टेंस ट्रेवल की है एल, और डिस्टरबेंस को यहां से यहां तक ये डिस्टेंस एल ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है, तो आप बोलोगे सर नजर आ रहा है टाइम लगेगा टी नॉट। तो यहां से यहां तक जो वेव है उसकी जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी ऑब्वियसली एल अपॉन टी नॉट। ये हमारे वेव की वेलोसिटी मान लो, ये एनर्जी के प्रोपगेशन की वेलोसिटी मान लो, डिस्टरबेंस के प्रोपगेशन की वेलोसिटी मान लो, मोमेंटम के प्रोपगेशन की वेलोसिटी मान लो, एक ही बात है, सारी बातें मोर और लेस एक जैसे सी है। आगे चले मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। बड़ा मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, फेयर इनफ। इस स्ट्रिंग के साथ हमने बिल्कुल एंड पर, बिल्कुल एंड पर ऐसे एक एम मास बांध रखा है, मान लीजिए ऐसे किसी स्प्रिंग के साथ, सॉरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लीजिए और ये एम मास मान लीजिए, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा पकड़ा, मैंने स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा पकड़ा और स्ट्रिंग के इस हिस्से को यूं यूं ऐसे मैंने ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रिंग का ये वाला हिस्सा पकड़ा और इस हिस्से को मैंने ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मैंने रस्सी को इस तरीके से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने रस्सी के इस पॉइंट को यू यू ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, तो रस्सी के सारे पार्टिकल जो है वो थोड़े टाइम बाद ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएंगे, और वो ऐसे ऑसिलेट करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपका एम मास भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। मैंने डायरेक्टली ऐसा नहीं कि एम मास को पकड़, एम मास को पकड़ के यूं चलाना स्टार्ट कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मैंने रस्सी के इस पॉइंट को पकड़ा और इस पॉइंट को ऐसे 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 लगातार ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने इस पॉइंट को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, इस रस्सी में हल्की फुल्की इलास्टिसिटी होगी, टेंशन होगी, उसके कारण ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को ऑसिलेट कराएगा, ये वाला पार्टिकल इसको ऑसिलेट कराएगा, ये वाला पार्टिकल इसको ऑसिलेट कराएगा, ये वाला अगले वाले को, ये वाला अगले वाले को, ये वाला अगले वाले को, 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 और यहां पर जो पार्टिकल होगा वो एम मास पर कोई ना कोई टेंशन लगाएगा, कोई इलास्टिक फोर्स लगाएगा, और उसके कारण एम मास ऐसे ऐसे लगातार ऑसिलेट करने लग जाएगा। अब जरा सोचो, एम मास पहले तो रेस्ट पे था और अब यूं यूं ऑसिलेट करने लग गया, तो मुझे तो लग रहा है कि इसके पास कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है। कौन दे रहा है ये एनर्जी? आप बोलोगे सो ऑफ कोर्स, आप अगर रस्सी के इस पॉइंट को पकड़ के बैठे हो तो आप लगातार वर्कडन कर रहे हो और वो वर्कडन एनर्जी के फॉर्म में लगातार आगे जा रहा है, लेकिन आगे जा तो रहा है। मैकेनिक्स हमें लगातार ये सिखाती आई है कि एनर्जी के एक जगह से दूसरी तक जाने के पीछे एक जो कारण है वो हमेशा मासेस होते हैं।
करंट इलेक्ट्रिसिटी हमेशा सिखाती है कि एनर्जी की एक जगह से दूसरी तरफ जाने के पीछे कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कौन गया है? क्या कोई एम मास का पार्टिकल या कोई एम डैश मास का पार्टिकल या फिर रस्सी का कोई पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, मैंने यू यू ऑसिलेट करना स्टार्ट किया तो मैंने इस रस्सी के पार्टिकल को एक डिस्टर्बेंस दी। हाँ, ये वाला पार्टिकल भी थोड़ी देर बाद में यू यू ऑसिलेट करने लग जाएगा, लेकिन इसका ये अर्थ थोड़ी कि ये वाला पार्टिकल उठ के यहाँ चला गया। इसी तरह से अगर मैं इस पार्टिकल को यू यू ऑसिलेट करूंगा तो ये वाला पार्टिकल भी हल्का सा डिस्टर्ब होगा और ये वाला पार्टिकल भी इस तरह से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यू यू घूमने लग जाएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये वाला पार्टिकल उठ के यहाँ से यहाँ चला गया। मैकेनिक्स में कहते थे कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए मासेस का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना जरूरी है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मासेस का एक जगह से दूसरी तक जाए बिना एनर्जी लगातार पार्टिकल्स की हम इस तरह से लगातार बढ़ा पा रहे हैं, हम एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हैं। एंड दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट Giving the net displacement to the medium particles, ये जो medium particles हैं इनके net displacement के बिना energy को अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह भेज पाऊं, this mode of transfer is known as, this way of transfer is known as wave. This is known as wave. ये हमारी wave है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई m mass का particle जो है वो यहां से उठकर यहां पर आ गया है। Mechanics में तो ऐसा होता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन भागता था एक जगह से दूसरी जगह, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, यह जरूर है कि मैंने यहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट की। वो डिस्टरबेंस क्या? कि मैंने इस एम मास के पार्टिकल को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूं चलाना स्टार्ट कर दिया तो बाकी सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं रस्सी के वो इसकी नकल करने लग गए। इसको तो मैं चला रहा था, इसने अगले को चलाया, इसने अगले को चलाया, इसने अगले को चलाया, इसने सारे के सारे पार्टिकल नकल कर रहे थे अपने से लेफ्ट वाले की, क्योंकि वेव किधर से आ रही है? लेफ्ट से। तो सारे पार्टिकल नकल करेंगे, किसकी नकल करेंगे? अपने से लेफ्ट वाले की। और ऐसे नकल करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए तो कभी ना कभी इस एम मास के पार्टिकल के जस्ट लेफ्ट में जो रस्सी का जो पार्टिकल होगा वो भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, और वो जैसे ही ऑसिलेट करेगा तो वो इस एम मास के पार्टिकल पर एक इलास्टिक फोर्स लगाएगा, टेंशन लगाएगा और अपने साथ इस एम मास के पार्टिकल को भी चलाएगा। और जैसे ही इस एम मास के पार्टिकल के पास एनर्जी आ गई, हम बड़े इत्मीनान से इस बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस एनर्जी के ट्रांसफर के लिए हमने किसी एम मास के पार्टिकल को यहां से यहां नहीं भेजा है, हमने किसी एम मास के पार्टिकल को यहां से यहां नहीं भेजा है। ये वाला पार्टिकल यही मस्ती कर रहा है, ये वाला पार्टिकल यही मस्ती कर रहा है, ये वाला पार्टिकल यही मस्ती कर रहा है, ये वाला पार्टिकल अभी भी यही मस्ती कर रहा है, ये वाला पार्टिकल उठ के यहां थोड़ी आ गया है। And this way of transfer of energy from one place to another without the displacement of the, without the net displacement of the medium particle is known as wave. I hope बेटा ये बात तुम समझ गए होंगे। मैं एक छोटी सी बात और बोलूं। मैंने t is equals to zero पर इस पार्टिकल को ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ऑसिलेट करना स्टार्ट किया। जब मैं इस पार्टिकल को ऑसिलेट करना स्टार्ट करूंगा उस टाइम पर ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करना स्टार्ट नहीं होगा, उसके बाद में होगा। इसको ऑसिलेट करूंगा फिर ये इसको करेगा, 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 इसको करेगा। कभी ना कभी टाइम t इज इक्वल्स टू t नॉट पर ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करने लग गया और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है लेट्स से बड़ा l है, तो आप कह सकते हो कि सर इस तरफ वेव गई है और जो वेव है उसकी वेलोसिटी हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, अगर वेव की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो, कि डिस्टर्बेंस को L डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और उसको L डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो समय लगेगा दैट टाइम इज ऑफ कोर्स T नॉट। तो आपके वेव के पास जो वेलोसिटी आएगी वो L अपॉन T नॉट आएगी। समझ गए बच्चों इस बात को? जो वेव की वेलोसिटी आपके पास L अपॉन T नॉट आएगी। एंड दिस वे ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ऑफ कोर्स, सॉरी दिस वे ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज नोन एज योर वेव्स। ये हमारा बड़ा वेव है और आप देख पा रहे हो कि इस तरफ मोमेंटम भी गया है, एनर्जी भी गया है और डिस्टर्बेंस भी गई है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल और, मेरे पास बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल और है, हालांकि मैं एग्जाम्पल है ना वो साउंड वेव का ले रहा हूं लेकिन आपको अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। सुनिए बेटा, मान लीजिए कि बड़ा यहां कहीं ये आपका ईयर,
ये बड़ा आपका कान, ठीक है, और कोई बहुत जोर जोर से गाना चल रहा है डीजे पर, और ये बड़ा मान लीजिए कि जो स्पीकर है, जो डीजे का जो स्पीकर है उसका डायफ्राम ये है, ठीक, जो डायफ्राम होता है ना बेटा, जिससे आवाज़ निकलती है, वो मान लीजिए ये है। बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने चल रहे हैं, ठीक है, जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने चलेंगे तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जो स्पीकर का जो डायफ्राम है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, वो यूं ही ऑसिलेट करता है, दिखता भी अपन को, मतलब वो अच्छा खासा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है, इसलिए मैं दिखता भी है, वो जो स्पीकर का जो डायफ्राम है वो ऐसे ऐसे यूं ही ऑसिलेट करता है, हम देख भी सकते हैं। जैसे ही ये डायफ्राम जो है ये यूं यूं ऑसिलेट करेगा, गाना चलाया, गाना चलाते बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और उसने यूं यूं ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, जैसे ही ये यूं यूं ऑसिलेट करेगा ये अपने से आगे वाले जो एयर के मोलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स लगाएगा, और जब ये यू यू ऑसिलेट करेगा तो ये अपने से आगे वाले जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑसिलेट कराएगा ऐसे। ये वाला एयर मॉलिक्यूल जैसे ही यू यू ऑसिलेट होगा ये आगे वाला मॉलिक्यूल अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल को ऑसिलेट कराएगा ऐसे। ये वाला मॉलिक्यूल जैसे ही ऑसिलेट होगा वैसे ही अगले वाले पर फोर्स लगाएगा और अगला वाला मॉलिक्यूल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा, और यूं चलते 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 हमारे ईयर के बिल्कुल पास वाला जो एयर मॉलिक्यूल है वो भी कभी ना कभी यूं यूं ऑसिलेट करने लग जाएगा। जैसे ही हमारे ईयर के पास वाला मॉलिक्यूल यूं यूं ऑसिलेट करने लग जाएगा वैसे ही हमारा जो कान का पर्दा है, हमारे कान का जो डायफ्राम है वो उसको डिकोड कर लेगा, उस एयर मॉलिक्यूल का जो इस तरह का मोशन है उसको वापस से साउंड के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। अब मजे की बात बेटा ये है, आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि ये वाला जो एयर मॉलिक्यूल है ये यहां से चलकर यहां नहीं आया है, यहां से चलकर यहां नहीं आया है, बल्कि जैसे ही आपके स्पीकर के डायफ्राम ने यू यू ऑसिलेट करना स्टार्ट किया वैसे ही ये वाला पार्टिकल भी अपने मीन पोजीशन के ऑर्डर यू यू ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, इसने अगले वाले से टक्कर के ये यू ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, ये यू ये यू ये यू ये यू ये यू। ये वाला पार्टिकल पहले ऑसिलेट नहीं कर रहा था जब कोई साउंड नहीं थी, जैसे ही साउंड आई ये वाला मॉलिक्यूल ऑसिलेट करने लग गया और यहां पर आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई और इसका जो ऑसिलेशन होगा उसको हमारे कान परसीव कर लेंगे और हम वापस से बड़ा उसको बड़ा आराम से उस आवाज को हम सुन पाएंगे। मजे की बात यह है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल जो है इसके पास मोमेंटम आ गया है, एनर्जी आ गई है और डिस्टर्बेंस आ गया है, एनर्जी आ गई है। अगर एनर्जी आ गई है तो क्या कोई यहां से मॉलिक्यूल उठकर यहां पर आया है जिसने इसको एनर्जी दी है? आप बोलोगे ना सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि आप कहोगे कि सर यहां पर तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, जब साउंड नहीं थी तो सारे के सारे पार्टिकल्स मोर और लेस रेस्ट पे थे, जैसे ही साउंड आई नॉइज आई जैसे ही स्पीकर ने बहुत जोर जोर से आवाज निकालना स्टार्ट की वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स यू यू ऑसिलेट करना स्टार्ट हुए, और जैसे ही यू ऑसिलेट करना स्टार्ट हुए तो वो ऑसिलेशन लगातार आगे चलता गया चलता गया चलता गया और वेव लगातार आगे चलती गई चलती गई चलती गई, एनर्जी लगातार आगे चलती गई, मोमेंटम लगातार आगे चलता गया डिस्टरबेंस लगातार आगे चलता गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। बस रस्सी वाले केस के अंदर पार्टिकल यू यू ऑसिलेट कर रहे थे और वेव ऐसे जा रही थी, इस बार आपकी वेव इधर ही जा रही है और पार्टिकल्स इसी लाइन के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहे हैं। इस लाइन को हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलेंगे। इस लाइन को क्या नाम दिया था? ट्रांसवर्स। इस लाइन को क्या नाम दिया? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, मान लीजिए कि t इज इक्वल्स टू जीरो पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर बाद में ये होगा, 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 फिर लास्ट में ये होगा। बेटा मान लीजिए टाइम t इज इक्वल्स टू t नॉट पर ये वाला मॉलिक्यूल भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर गया और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास एल है, तो आप कह सकते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव है या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उसे आप कह सकते हो कि सर एल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितनी स्पीड से, एल डिस्टेंस ट्रेवल की है डिस्टरबेंस ने कितने टाइम के अंदर, टी नॉट में। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड या फिर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। हाँ, ये बात जरूर है कि ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल इंस्टेंट में ही हम आवाज सुन लेते हैं,
ये बड़ा स्पीड जो है ये रफली 340 मीटर पर सेकंड के आसपास आती है। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि हमें लगता है कि जैसे स्पीकर ऑन किया वैसे हमने आवाज़ सुन ली, हमें लगता है ऐसा। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा है तो वो टाइम बहुत कम लेता है। अदरवाइज आप जानते हो कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो हल्का फुल्का टाइम ज़्यादा लग भी सकता है। ठीक है, ये वाली बात तो पक्का समझ में आ ही गई होगी। आगे चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, वेव्स को बेटा हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट सुनिएगा, वेव कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन इज मैकेनिकल वेव, अनदर इज नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो है जिनको प्रोपगेट होने के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती हो। भले ही मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट ना हो लेकिन मीडियम की ज़रूरत पड़ती हो, दोस काइंड ऑफ वेव्स आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। तो बड़ा लिखना, रिक्वायर मीडियम, मीडियम पार्टिकल्स का नेट डिस्प्लेसमेंट भले ही ना हो लेकिन मीडियम की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, बड़ा रस्सी पर जो वेव होगी उसमें तो मीडियम चाहिए ना, रस्सी मीडियम ही तो है। एक रस्सी ली और हम बेटा उसको यूँ ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, रस्सी पर कोई वेव जा रही है तो वो तो मैकेनिकल है ही, क्योंकि बड़ा वो वेव किसके ऊपर है, रस्सी के ऊपर ही तो है। हमारी जो साउंड वेव है उसे मीडियम चाहिए, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी। ठीक है बच्चों, नॉन मैकेनिकल वेव, नो मीडियम रिक्वायर्ड, किसी भी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वह है लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बेटा लाइट भी कह सकते हो। इसमें क्या होगा, वैक्यूम के अंदर भी वेव लगातार सामने की तरफ जाती रहेगी, वेव की जो वेलोसिटी होगी वैक्यूम में उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगातार ऑसिलेट करते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगातार ऑसिलेट करते रहेंगे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यूं ही ऑसिलेट करते रहेंगे और लाइट लगातार सामने जाती रहेगी, चाहे वैक्यूम हो चाहे कोई मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेव थोड़ा ट्रेवल करेगी करेगी तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीका तो बड़ा ये हो गया वेव को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करने का। एक क्राइटेरिया और है, That is transverse wave and another is longitudinal wave। जैसे बड़ा मान लीजिए कि आपके पास कोई रस्सी है और बड़ा रस्सी जो है उसमें कोई वेव जा रही है ऐसे, तो आप इस बात को नोटिस कर सकते हो कि जो भी आपने डिस्टरबेंस क्रिएट की है वो ऐसे जा रही है सामने की तरफ, तो वेव की जो वेलोसिटी है वो तो ऐसे है, लेकिन जो आपके मीडियम पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल है, अगर मैंने रस्सी को यूँ ऑसिलेट कर दिया तो ऑब्वियस बात है कि रस्सी के सारे पार्टिकल यूँ ऑसिलेट करेंगे, तो जो भी आपका ये वाला पॉइंट है उसके पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे।
इसी तरह से ये वाला जो पार्टिकल होगा ये यूं यूं ऑसिलेट करेगा, ये वाला जो पार्टिकल होगा ये यूं यूं ऑसिलेट करेगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि वेव जा रही है सामने की तरफ, डिस्टरबेंस जा रही है सामने की तरफ, एनर्जी जा रही है सामने की तरफ, लेकिन रस्सी के सारे जो पार्टिकल हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नाम निकाल रखा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, एंड दीज काइंड ऑफ वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। यही हाल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर वेव के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट करती है इस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर, या फिर इवन आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट करती है बेटा इस सी वेक्टर के परपेंडिकुलर। सी वेक्टर होगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ वेव के पास वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे, एंड दीज काइंड ऑफ वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। नाम में ट्रांसवर्स क्यों आया वो तो आप समझ ही होंगे, क्योंकि तो इसके अंदर जो हमारा डिस्टर्बेंस है वो किस तरफ ऑसिलेट कर रही है, वेव की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं, साउंड वेव। साउंड वेव में हमने इस बात को देखा कि अगर ये वाला मॉलिक्यूल, अगर बड़ा मान लीजिए कि साउंड इस तरफ आ रही है तो ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, फिर ये अगले वाले को ऑसिलेट कराएगा, फिर ये अगले वाले को ऑसिलेट कराएगा, तो साउंड जा रही है ऐसे और जो मीडियम पार्टिकल्स का ऑसिलेशन है वो भी उसी लाइन के अलोंग ही है। साउंड जा रही है ऐसे, उसी लाइन के अलोंग मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है। दीज काइंड ऑफ वेव्स आर नोन एज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इस केस में आपका जो ऑसिलेशन है वो बड़ा वेलोसिटी ऑफ वेव के अलोंग है, जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ वेव है उसी लाइन के अलोंग है, और ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो भी आपके डिस्टर्बेंसेज हैं या फिर जो मीडियम के डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो सारे के सारे जिस तरह वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आपके मन में सेट रहना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है और ट्रांसवर्स वेव क्या है। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए, मैं यहां पर एक छोटी सी बेटा एक इंफॉर्मेटिव बात और बोल रहा हूं। जो भी सॉलिड्स होंगे ना, दे कैन हैव ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सॉलिड्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों आ सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बड़ा मान लीजिए कि मैंने एक रॉड ली, एस मेटल की रॉड ली, एस बड़ा मेटल की पतली सी रॉड ली एस, और मैंने किसी हथौड़े से एक हल्का सा जर्क मार दिया ऐसे। जैसे मैंने यहां पर जर्क मारा, ऑब्वियस बात है कि यहां के जो पार्टिकल्स होंगे बेटा वो यू यू ऑसिलेट करना स्टार्ट होंगे, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट होना स्टार्ट होंगे, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट। पहले आपने सिर्फ और सिर्फ यहां झटका मारा तो यहां पर ही डिस्टरबेंस आई, वो लगातार डिस्टरबेंस सामने की तरफ चलती गई, तो वेव के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ। लेकिन मीडियम पार्टिकल्स यू यू ऑसिलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास ये रॉड हो और मैं एक अगेन हथौड़े से इधर से मारूं, जैसे इधर से मारूंगा ऑब्वियस बात है कि यहां वाले जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे। जैसे ये वाले मॉलिक्यूल यू यू ऑसिलेट करेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल को ऑसिलेट करेंगे, ये वाले आगे वाले मॉलिक्यूल को, 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 ये वाले, और कभी ना कभी ये वाले मॉलिक्यूल भी ऑसिलेट करेंगे। वेव जा रही है इस तरफ
और मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट भी ऑफ कोर्स इसी लाइन के अलोंग है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बड़े आराम से आ सकती है। तो सॉलिड्स के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स मतलब बड़ा लिक्विड्स प्लस गैसेस, इनके अंदर सरफेस में नहीं, इनके अंदर, अंदर मतलब इन देयर बल्क, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही आएगी। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव आएगी, ट्रांसवर्स वेव नहीं आएगी। इसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि मान लीजिए कि आपके पास ये वाटर है, ये वाटर है, बल्क के अंदर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई वेव इधर जा रही है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होने के लिए जिस तरफ वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मीडियम पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। फ्लूइड्स के अंदर इस तरह की शियर स्ट्रेस बहुत कम आती है, ये हम कभी ना कभी आगे जाके बड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन मैं एक बार के लिए सिर्फ स्टेट कर रहा हूं, ठीक है। आप एक बार मान लेना कि फ्लूइड्स जो होते हैं उनके अंदर इस तरफ इम्बैलेंस फोर्सेस बहुत कम होते हैं, तो इस कारण से बड़ा अगर कोई वेव इस तरफ जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इम्बैलेंस फोर्सेस सस्टेन नहीं कर पाते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस, इस कारण से बड़ा जी मीडियम पार्टिकल्स इस तरफ ऑसिलेट नहीं कर पाते हैं, और जो भी फ्लूइड्स होंगे उनके अंदर, उनके अंदर हमेशा आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव ही रहेगी। अब कोई बच्चा हो सकता है कि ये सोच रहा हो सर स्टिल वाटर है, पानी है रेस्ट पे, सर मैंने उसमें पत्थर गिरा दिया, जैसे सर मैं उसमें पत्थर गिराता हूँ तो सर रिपल्स बनते हैं, इस तरह से सर्कुलर रिपल्स बनते हैं ऐसे, और वो सर्कुलर रिपल्स लगातार बाहर आते रहते हैं। सर ये वेव नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, ये तो मुझे ट्रांसवर्स लग रहा है। सर ट्रांसवर्स इस तरह से लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसी फील आती है कि अगर मैं पत्थर गिराता हूँ तो जो पानी है वो हल्का सा ऐसे ऊपर आता है, एक सर्कल सा बन जाता है जिसके अंदर पानी हल्का सा ऊपर जाता है और लगातार ये जो सर्कल है लगातार बाहर जाया जाता है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो वेव की वेलोसिटी तो है ऐसे, और जहां पर वो सर्कल बना है वहां पर पानी हल्का सा ऊपर आया है, इसका मतलब मीडियम पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे और वेव की वेलोसिटी है ऐसे, सर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और आपने तो कहा कि लिक्विड्स के अंदर कभी भी ट्रांसवर्स वेव नहीं आएगी, सर यहां पर तो ट्रांसवर्स वेव आ रही है, रिपल्स तो ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि रिपल्स जो बनते हैं उसके अंदर पानी हल्का सा ऊपर नीचे जाता है, हल्का सा ऊपर नीचे जाता है और लगातार डिस्टर्बेंस लगातार बाहर की तरफ जाया जाता है, इसमें परपेंडिकुलर है। ऐसा इसलिए कि पानी की जो सरफेस है, पानी का जो ऊपर वाला पॉइंट है, वहां पर इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में इम्बैलेंस फोर्सेस आ सकते हैं। इसलिए आ सकते हैं क्योंकि नीचे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल फोर्सेस ज्यादा लगाएंगे और एयर के मॉलिक्यूल्स फोर्सेस कम लगाएंगे। तो पानी की सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव हो सकती है कि पानी के सरफेस के अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं होगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, सॉलिड्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों हो सकती हैं, सॉलिड्स और सॉरी लिक्विड्स और गैसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती है, लेकिन सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव हो सकती है। सरफेस पर ट्रांसवर्स वेव इसलिए हो सकती है क्योंकि वाटर के जो फोर्सेज होंगे वो ऑफकोर्स ज्यादा होंगे और एयर के फोर्सेज कम होंगे, और इस कारण इस डायरेक्शन के अंदर बड़ा कुछ ना कुछ फोर्स बच जाएगा और इस कारण पार्टिकल जो होगा वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर पाए। तो थोड़ी सी याद करने वाली सी बात थी, बड़ा प्लीज़ अच्छे से याद करना, मैं अच्छे से लिखा भी देता हूँ, हो सकता है कभी किसी सवाल के अंदर काम आ जाए, खास तौर से एडवांस में मुझे लगता है कभी ना कभी काम आ सकता है। तो लिक्विड्स और गैसेस के बल्क में तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होगी, लेकिन सरफेस पर जैसा मैंने कहा बोथ ट्रांसवर्स एंड
लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकते हैं। कहां पर? सरफेस पर। सॉलिड्स के अंदर तो बड़ा ठीक है, फोर्सेस का इश्यू रहता नहीं है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन था, आगे चलते हैं। फिर भी हम याद रखें, आगे चलिए बेटा। हेडिंग लिखे बच्चों, किसी भी वेव के कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, उनके बीच में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। मैं वेव ऑन स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। सुनिए बेटा, आपके पास ये एक रस्सी है, रस्सी के इस पॉइंट को मैंने ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, इसके कारण रस्सी जो है वो किसी टाइम पर ऐसा शेप बना रही है। ये है हमारी वेव ऑन स्ट्रिंग, ये है हमारी वेव ऑन स्ट्रिंग। किसी टाइम पर ये पॉइंट जो अपने मैक्सिमा से गुजर रहे हैं, जो अपने ऊपर मैक्सिमा से गुजर रहे हैं, इन्हें हम नाम देंगे क्रेस्ट। जो अपने ऊपर वाले मैक्सिमा से गुजर रहे हैं इनको हम नाम देंगे क्रेस्ट। जो अपने नीचे वाले मैक्सिमा से गुजर रहे हैं इनको हम नाम देंगे ट्रफ। तो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ। पहली बात, ये पॉइंट्स गुजर रहे हैं अपने मेन पोजीशन से, ये मेन पोजीशन से। छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, आराम आराम समझना, ठीक है। जो क्रेस्ट्स पे है वो मेन पोजीशन से ए डिस्टेंस ऊपर है, जो ट्रफ है वो मेन पोजीशन से ए डिस्टेंस नीचे है। ये ए पहला पैरामीटर है जो हमारे काम का है, इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड, इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। फेयर इनफ। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, देखना बेटा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए बहुत काम की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पल्स है, इस इतने से हिस्से का नाम क्या निकाल दिया, पल्स। इसके बाद तो इस पल्स के सिर्फ रिपीटेशन है, ये अपने आप में एक पल्स है, वैसे ये दूसरी पल्स है, वैसे ये तीसरी पल्स है। तो यहां से यहां तक का जो आपका अरेंजमेंट है, दिस इतना सा अरेंजमेंट इज नोन एज योर पल्स। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्डा से तो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ द वेव। पूरी की पूरी इस पल्स की जो लंबाई है दैट इज नोन एज वेवलेंथ। हालांकि मैं एक बात और बोल दूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर लैम्डा है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी लैम्डा होगी। देखना बेटा, यहां से थोड़ा सा आ गया हो, यहां से थोड़ा सा आ गया हो, ये डिस्टेंस भी आपकी लैम्डा होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो कंजिकेटिव क्रेस्ट के बीच का जो सेपरेशन होगा वो भी वेवलेंथ ही होगी। तो आप कह सकते हो सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारी वेवलेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी तरह से मेरा बच्चा भी कह सकता है कि सर अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है तो बाईसिमेट्री में ये भी कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस भी लैम्डा है। तो आप कह सकते हो कि दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस है, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी लैम्डा है।
इट इज सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ ऐसे डिफाइन करेंगे, हम और भी तरीके से डिफाइन करेंगे। सुनना बच्चों, यहां से यहां तक के डिस्टेंस लैम्डा है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस भी लैम्डा है। हम अगेन इतना कह सकते हैं बाईसिमेट्री, सुनना बेटा इस बात को, कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की अगर डिस्टेंस लैम्डा है तो मैं कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर है, फिर ये डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर है, फिर ये डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर है, और फिर ये डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर। क्रेस्ट और मीन पोजीशन वाला जो पॉइंट है, डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर, मीन पोजीशन और ट्रफ के बीच डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर, ट्रफ और मीन पोजीशन के बीच लैम्डा बाई फोर, मीन पोजीशन और क्रेस्ट के बीच डिस्टेंस भी आपकी लैम्डा बाई फोर, ये डिस्टेंस आपकी लैम्डा बाई फोर। ये लैम्डा बाई फोर, फेयर इनफ। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट एक साथ मैक्सिमा पर आएंगे, एक साथ मिनिमा पे आएंगे, एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएंगे, फिर एक साथ मीन पे आएंगे, फिर एक साथ एक्सट्रीम पे जाएंगे, साथ साथ मूव करेंगे। कोई से भी दो पॉइंट अगर साथ साथ मूव करते हैं तो हम उनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इन फेज। ये शब्द हम पहले भी यूज कर चुके हैं, इनको हम कहते हैं कि ये दोनों इन फेज है, या फिर ऐसे कहते हैं कि उनके बीच फेज डिफरेंस जीरो है या टू पाई है या फोर पाई है, ऐसे शब्द हम यूज कर सकते हैं, आगे जाके करेंगे भी। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट इज एफ फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड के अंदर, बड़ा मान लो कि मैंने इस पार्टिकल को यहां से ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कराया, ऐसे एक सेकंड के अंदर कितने चक्कर कंप्लीट करता है, उन चक्कर्स की संख्या, उन साइकल्स की संख्या को हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी। एफ इज फ्रीक्वेंसी, इट इज नंबर ऑफ टाइम्स मीडियम पार्टिकल इज परफॉर्मिंग इट्स साइक्लिक मोशन इन वन सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर अपने कितने साइक्लिक मोशन, साइक्लिक मतलब पूरा चक्र कंप्लीट कर लेता है, उस संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उस संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आगे चले। टाइम पीरियड जो होगा वो हमेशा वन अपॉन एफ होगा, कैपिटल टी इज ऑफ कोर्स टाइम पीरियड। कैपिटल टी मतलब एक पार्टिकल को, मीडियम के किसी भी पार्टिकल को पूरा चक्कर काटने में लिया गया जो मिनिमम टाइम है, पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, मतलब अगर यहां चला है तो यहां से चलकर वापस यहां तक आने में, ये जो पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है, दैट टाइम इज नोन एज योर टाइम पीरियड। इट इज मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय मीडियम पार्टिकल to complete one cycle, पूरी एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना कम से कम समय लगेगा, that minimum time is known as your time period या capital T। ठीक है बच्चों, आगे चलिए, आगे चलिए। ये हमारे मेन पैरामीटर्स हैं जो हमारे काम आएंगे, इन पर ही हम सारे के सारे थ्योरी डेवलप करेंगे। हमने अभी तक कोई इक्वेशंस बनाई नहीं बेटा, बना लेंगे, अभी तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं अपन वेव्स का। मैं जानता हूं कि ना आज थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर लग रहा है आपको, लग रहा है सर तो लिखा ही लिखा रहे हैं, आज आज की बात है,
फिर उसके बाद ऑफ कोर्स है ना न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हो सकता है कि हल्का फुल्का आपको लग रहा हो, बाकी आगे आसान हो जाएगा। चलिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वेव्स की फील आ जाए। एक बार अगर फील आ गई फिर तो न्यूमेरिकल तो कैसे भी कर लेंगे अपना। नेक्स्ट इज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ ये पूरे रास्ते फिक्स रहे, दैट वेव इज नोन एज योर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। मान लीजिए कि मैंने कोई रस्सी ली और रस्सी के इस पार्टिकल को ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, तो वेव बन गई और वेव में हर जगह एम्पलीट्यूड ए ही है और स्पीड पूरी जगह यूनिफॉर्म है, ऐसी वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कह सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से यहां भी एम्पलीट्यूड ए, यहां भी एम्पलीट्यूड ए, यहां भी एम्पलीट्यूड ए, यहां भी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में वेव भले ही आपकी आगे जा रही हो, वेव के प्रोग्रेस होने के बावजूद एम्पलीट्यूड पर, स्पीड पर, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो आप लिख सकते हो एज द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोग्रेसेस देयर इज no change in amplitude, speed of wave and frequency. इस तरह की वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहेंगे। प्रैक्टिकली हो सकता है कि कुछ वेव्स बड़ा प्लेन प्रोग्रेसिव न हो, जैसे मैंने कोई रस्सी ली बेटा, रस्सी ली और रस्सी के इस हिस्से को मैंने ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि यहाँ पर तो ए वेव का एम्पलीट्यूड बन जाए, लेकिन जैसे जैसे आगे जाऊँ वैसे वैसे लगातार एम्पलीट्यूड घटता जाए। यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड ए है तो आगे एम्पलीट्यूड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस केस में मान के चलते हैं कि एनर्जी का कोई ना कोई लॉस हुआ है, और इस केस में हम कहेंगे कि भले ही वेव आगे जा रही हो बट देर इज सम डैम्पिंग। ये डैम्पिंग शब्द कैसे यूज कर रहा हूँ सुनना, हम हल्का फुल्का बड़ा आपको पहले बता चुके हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। वेव हमने यहाँ से भेजना स्टार्ट की, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, जैसे ऐसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे लगातार एम्पलीट्यूड घट रहा है। इसका मतलब तय बात है कि सिस्टम में से लगातार एनर्जी किसी न किसी फॉर्म के अंदर डिसिपेट हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह की वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव नहीं कहते, बल्कि इस तरह की वेव को हम डैम्प्ड वेव कह सकते हैं। डैम्पिंग का अर्थ आप लोग जानते हो, जब सिस्टम में से कुछ ना कुछ एनर्जी लगातार बाहर जाती रहे, दिस इज योर डैम्प्ड वेव, दिस इज योर डैम्प्ड वेव। हमारे कोर्स में मोस्टली बेटा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ही है, कोई इक्का दुक्का सवाल डैम्प्ड वेव का आ जाए तो अलग बात है, कोर्स में हमारे डैम्प्ड वेव नहीं है। बट एडवांस वाले तो कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर कुछ मान लो पूछ लिया तो भी हम हल्का फुल्का हमारे आईक्यू से, एप्टीट्यूड से कोई ना कोई जवाब तो बना ही लेंगे। ठीक है, तो हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ही है। हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज सिंपल हार्मोनिक वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का वो
सेक्शन जिसमें सारे के सारे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हो, उस वेव को हम बड़ा सिंपल हार्मोनिक वेव कहेंगे। हमारे मान के चल लो कि 90% क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक वेव ही होगी। कैसी वेव होगी, क्या बातें होंगी, सुनिएगा आराम से, बढ़िया से सुनना। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये रस्सी और ये आपका x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो वाले पोर्शन को आप ऐसे ऐसे SHM कराना स्टार्ट कर दो और इसका y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिख दो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। इस तरफ y है तो मैंने क्या किया कि x इक्वल्स टू जीरो वाले पार्टिकल को मैंने ऐसे ऐसे SHM करना स्टार्ट करा दिया और ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे लगातार SHM कर रहा है। अब इस वाला ये वाला पार्टिकल तो SHM इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं करा रहा हूं, ये वाला पार्टिकल फिर अगले वाले पार्टिकल को SHM कराएगा, फिर अगले को SHM कराएगा, वो अगले को कराएगा, वो अगले को कराएगा। इस पर तो फोर्स मैं लगा रहा हूं और रस्सी के बाकी सारे पार्टिकल्स पर फोर्स लगाने की जिम्मेदारी है टेंशन की। इस कारण से सारे के सारे राइट साइड वाले जितने पार्टिकल होंगे, रस्सी के जितने भी राइट साइड वाले पार्टिकल होंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे वो अपने से लेफ्ट वाले पार्टिकल की नकल करेंगे। लेफ्ट वाला पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो सारे के सारे राइट वाले पार्टिकल भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, बस थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद, बाकी सबको करना SHM ही है। इस कारण से आपकी जो रस्सी है वो इस तरह की बन जाती है और सारे के सारे पार्टिकल इस तरह से लगातार ऑसिलेटरी मोशन करने लग जाते हैं। ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू जीरो की है, बाकी सारे पार्टिकल भी ऑसिलेटरी मोशन ही करेंगे, सबका ओमेगा वही रहेगा, सबका एम्पलीट्यूड वही रहेगा, लेकिन सारे के सारे पार्टिकल किसकी नकल कर रहे हैं, अपने से लेफ्ट वाले की। ये किसकी नकल कर रहे हैं, लेफ्ट से लेफ्ट वाले की। ये किसकी नकल कर रहे हैं, लेफ्ट वाले की। ये किसकी नकल कर रहे हैं, लेफ्ट वाले की। और अल्टीमेटली सारे के सारे किसकी नकल कर रहे हैं, इस पॉइंट की। और इस पॉइंट को कौन मोशन दे रहा है, उसको हम दे रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं। तो हमने इसको मोशन दे दिया और बाकी सारे के सारे पार्टिकल तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लैग के बाद, थोड़े से टाइम इंटरवल के बाद इसकी नकल कर रहे हैं। जस्ट नजदीक वाले पार्टिकल थोड़ी देर बाद में नकल कर लेंगे और बहुत दूर वाले पार्टिकल काफी टाइम बाद नकल करेंगे, लेकिन नकल तो सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, x इक्वल्स टू जीरो वाले पार्टिकल की ही करेंगे। सो इन सिंपल हार्मोनिक वेव ईच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, each particle is performing simple harmonic motion. So you can say कि in simple harmonic wave each particle of the medium is performing simple harmonic motion. सारे के सारे जो पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा, मैंने काफी हद तक इंफॉर्मेटिव बातें बता दी है। हेडिंग लिखी बच्चों, नेक्स्ट इज जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव मतलब ऐसी वेव जो लगातार ट्रेवल कर रही हो। आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि बड़ा हम कुछ स्टैंडिंग वेव्स भी पढ़ें जो बड़ा ट्रेवल ना करती हो, सिर्फ और सिर्फ एक कन्फाइंड रीजन के अंदर सिर्फ खड़ी रहती हो, ठीक है, स्टैंड करती हो, स्टेशनरी हो। अब थोड़ा वेव लगातार ट्रेवल कर रही है। सुनिए बच्चों, आपके पास ये रस्सी है, ये बड़ा आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में हमारे पास पॉइंट है x इक्वल्स टू जीरो, ये आपकी पॉजिटिव x एक्सिस है। ये जो x इक्वल्स टू जीरो वाला पार्टिकल है, मैं इसको y डायरेक्शन में लगातार ऐसे ऑसिलेट कर रहा हूं,
इसका वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ टाइम है, वो कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ टाइम है, कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ टाइम है। क्या फंक्शन है वो तो इस पर डिपेंड करता है कि इसको एसटीएम कौन करा रहा है। अगर मैं एसटीएम करा रहा हूं और मैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कराना चाहता हूं और t इज इक्वल्स टू जीरो पर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूं मीन पोजीशन से, तो इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। याद करो एसटीएम की इक्वेशन। अगर इस वाले पार्टिकल को मैं एसटीएम कराना चाहता हूं a एम्पलीट्यूड से और t इज इक्वल्स टू जीरो पर मीन पोजीशन पे है, लेकिन t इक्वल टू जीरो को मैं इसे नीचे लाना चाहता हूं, तो इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू माइनस a साइन ओमेगा t, है कि नहीं। अगर मैं इसको ऊपर वाले एक्सट्रीम से चलाना चाहता हूं तो यही इक्वेशन है कि y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। तो ये फंक्शन क्या होगा, ये डिसाइड करेगा एक्सटर्नल सोर्स, जो कोई इस पूरी की पूरी वेव को क्रिएट करना चाह रहा है वो डिसाइड करेगा ये क्या फंक्शन है। उसकी मर्जी है, वो जैसे चाहेगा वैसे x इक्वल टू जीरो को चलाएगा। सो दिस फंक्शन इज गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स, जो आपका एक्सटर्नल सोर्स है वो डिसाइड करेगा कि फंक्शन क्या होगा। तो x इक्वल्स टू जीरो वाला जो पार्टिकल है उसको हम यू ऑसिलेट करा रहे हैं, और किस फंक्शन से वो लगातार मूव कर रहा है वो बेटा ठीक है फंक्शन डिपेंड करता है कि आपका सोर्स कौन है, वो क्या चाहता है। लेकिन इसका मोशन तो मैंने करा दिया, ये अगले का कराएगा, ये उसके अगले का कराएगा, ये उसके अगले का कराएगा, ये उसके अगले का करेगा, और इस तरह से लगातार डिस्टरबेंस सामने की तरफ चलती जाएगी, और डिस्टरबेंस सामने की तरफ जिस स्पीड से जा रही है उस स्पीड को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेव। यहां से एक्स डिस्टेंस दूर ये वाला पार्टिकल भी किसी टाइम टी पर वाई डायरेक्शन में जाएगा। यहां से x डिस्टेंस दूर ये पॉइंट किसी टाइम t पर कितना दूर जाएगा, ये बताने वाले जो इक्वेशन होगी उसी इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेव। सुनना, यहां से x डिस्टेंस दूर ये जो पॉइंट है ये टी टाइम पर कितना डिस्टरबेंस करता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, उस डिस्टरबेंस को बताने वाले जो मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेवलिंग वेव। तो मुझे है ना इस पार्टिकल का, कौन से पार्टिकल का, यहां से एक्स डिस्टेंस दूर ये जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंड वी नो दैट कि इट विल बी फंक्शन ऑफ टी एंड इट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स। अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्स पर जो पार्टिकल होंगे उनके अलग अलग वाई होंगे, तो वाई किस किस पर डिपेंड करेगा, टी पर डिपेंड करेगा और एक्स पर डिपेंड करेगा। सही बात है बेटा। अब मैं यहां से कुछ बोलना चाहता हूं, इस पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पर वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है यही डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली यही डिस्प्लेसमेंट कभी ना कभी इसका था, कभी ना कभी इसका था, क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल ना ये तो इसकी नकल कर रहा है, ये तो इसकी नकल कर रहा है। डिस्टर्बेंस सामने की तरफ आ रहा है vw वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ वेव से, और यहां से तक डिस्टेंस है x, तो किसी भी डिस्टर्बेंस को यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पार्टिकल का t टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी ना कभी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट शुड बी फंक्शन ऑफ जो हमारा x इक्वल्स टू जीरो वाला पार्टिकल था उसका t टाइम पर नहीं, t टाइम से पहले उतना ही डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। t टाइम से कितना पहले, x अपॉन vw टाइम पहले, x अपॉन vw टी टाइम पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट है और टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो तो सेम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी डिस्टरबेंस को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, एक्स अपॉन वी डब्ल्यू, एक्स अपॉन वी डब्ल्यू। तो
टी टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट और टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू पर इसका डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा। तो आप कह सकते हो कि सर एक्स इक्वल्स टू जीरो वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू पर जो होगा वही इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा किसी टाइम टी पर, और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर तुझे जीरो सेकेंड पर चाहिए तो टी को जीरो रख दे, तुझे दो सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो टी इक्वल टू टू रख दे, x इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल का पांच सेकंड पकड़ तेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो t को पांच रख दे, और तेरे को t इज इक्वल्स टू टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू पर अगर तुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो t की जगह बेटा क्या रख दे, टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू। अगर आपको टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू पर अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो टी की जगह टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू रख दे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर फंक्शन ऑफ टी है तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो फंक्शन ऑफ टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू होगा। एंड दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी ट्रेवलिंग वेव। कोई सी भी ऐसी ट्रेवलिंग वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी उसको आप हमेशा ऐसा लिख सकते हो टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू। क्या लिख सकते हो, टी माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू, ऐसे लिख दिया, पक्का ऐसा होगा। और इसी तरह से कोई वेव अगर कोई वेव अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अगर जा रही होगी तो जहां कहीं एक्स लिखा है वहां पर माइनस एक्स लिख देना तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ टी प्लस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू, क्योंकि जहां पर एक्स लिखा था वहां मैंने माइनस लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो जब कभी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग जा रही होगी तो आपको फंक्शन में ऐसा लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो फंक्शन में ये लिखा हुआ नजर आए तब भी समझ जाना कि इट्स एन इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, जब भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए तब भी समझ जाना कि इट्स एन इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा लिखा हुआ आए तो समझ जाना ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, दोनों साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सप्रेशन में t प्लस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू भी हो और t माइनस एक्स अपॉन वी डब्ल्यू भी हो। हालांकि थोड़ा सा मैथमेटिकल था लेकिन आपको तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल बात याद रखनी है, ये वाली और ये वाली, ये गांठ बांध लो। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी की सारी बात समझ में आ जाए, अदरवाइज फिर भी बेटा सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है और कोई बात याद रखने की जरूरत नहीं है, अपना काम बड़े आराम से चल जाएगा। तो अगर आपको लगे कि नहीं सर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन में ऐसा दिख जाए इट इज़ ए ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा दिख जाए ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, बस इतना काफ़ी है, फिर हमारा काम बन जाएगा। दोनों साथ नहीं होने चाहिए बेटा, दोनों साथ नहीं। जैसे y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, मुझे पता करना है कि ये ट्रेवलिंग वेव है या नहीं है, अगर है तो कौन से डायरेक्शन में जा रही है और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है। तो मेरे पास एक प्लान है, इसको लिख दो a साइन ओमेगा बाहर निकाल लो टी माइनस एक्स अपॉन ओमेगा वाई के, देखो बेटा मैंने सही लिखा ना, टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग, क्या ये फंक्शन टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग जैसा जैसा दिखाई दे रहा है क्या, यस। और अगर टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग समथिंग जैसा दिखाई दे रहा है इट मींस दैट इट्स एन इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, आप बोल रहे टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग है तो बिस बात है ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज ए ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और तो और मैं आपसे पूछ बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, तो क्या जवाब दोगे, तो आप बोलोगे सर टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग, ये जो ओमेगा बाई के है ये हमारा वेलोसिटी ऑफ वेव, हर बार ऐसे पता करेंगे मतलब हर बार पता। जैसे मैं एक और पूछूं आपसे y इज इक्वल्स टू
एक कॉस टू पाई एफ टी प्लस टू पाई बाय लेमडा एक्स। बताओ बेटा ये ट्रेवलिंग वेव है भी या नहीं है, है तो कौन सी डायरेक्शन में है, और अगर है तो इसकी स्पीड ऑफ वेव क्या है। तो मैं इसको एक स्टाइल से लिख सकता हूँ, कैसे, ए ठीक है, कॉस ठीक है, टू पाई एफ बाहर निकाल लेता हूँ, टी प्लस टू पाई तो बाहर आ गया, एक्स ठीक है, लेमडा ठीक है, एफ ठीक है, टी प्लस एक्स अपॉन समथिंग। अरे बेटा याद करो, टी प्लस एक्स अपॉन समथिंग, यार जब भी आपको फंक्शन में टी प्लस एक्स अपॉन समथिंग दिख जाए हम समझ जाएंगे ट्रेवलिंग वेव है। इट इज इक्वेशन ऑफ, यस ट्रेवलिंग वेव है, किस तरफ जा रही है, टी प्लस एक्स अपॉन समथिंग, ऑफकोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, हमने याद कर रखा है दिस इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आगे चल बेटा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, t plus x upon something, this is your velocity of wave. You can say कि सर velocity of wave is of course lambda into f. ठीक है बच्चों, बहुत टफ तो नहीं लगा होगा, एक एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हालांकि हम और भी तरीके सोचेंगे, है ना, अभी बस स्टार्ट किया है यार, ठीक है, ऐसे आपको कंफर्टेबल बनाने के बाद मैं एक और पूछ लेता हूं आपसे, y इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी टू पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। मैंने तो फंक्शन कहा था, ये तो नहीं कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो ये ट्रेवलिंग वेव है या नहीं है करते हैं चेक। मैं इसको लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल्स टू ए ई रेस टू पावर टू पाई बाय लैम्डा बाहर टी माइनस ओबडा, यहाँ पर कैपिटल टी लिखना है, कैपिटल टी बाहर निकालना, या बेटा सवाल में कैपिटल टी है लैम्डा नहीं है, ठीक है बेटा, टू पाई बाय कैपिटल टी बाहर निकालना, मेरे पास आ गया एक्स लैम्डा ठीक है, टी ऊपर आ जाए, यह इसको मैं ऐसे लिख दूं लैम्डा अपॉन टी, टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग। क्या ये फंक्शन ट्रेवलिंग वेव का है, जी हाँ बिल्कुल ये ट्रेवलिंग वेव है, टिक, ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप कहो सर टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग है तो ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव दैट इज लैम्डा अपॉन टी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। एक और पूछ लूं, चलो इतनी जिद कर रहे हो एक और पूछ लेता हूं, ये ट्रेवलिंग वेव है या नहीं है, अगर है तो कौन सी डायरेक्शन है, अगर है तो स्पीड ऑफ वेव क्या है, इतना सा ही सवाल है बेटा आपका, इतना सा ही सवाल। चलो मैं करता हूं, मैं सब क्या लिख सकता हूं, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन, यार इसको मैं ऐसे लिख दूं ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा ओमेगा अगर मैं बाहर निकालूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ए साइन ओमेगा स्क्वायर टी माइनस एक्स ओमेगा बाई के टी
प्लस एक्स ओमेगा बाई के। यार इस बार तो टी माइनस एक्स अपॉन समथिंग और टी प्लस एक्स अपॉन समथिंग दोनों आ गए। जब दोनों आएंगे तो ट्रेवलिंग वेव होगी या नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये किसी प्रकार की कोई ट्रेवलिंग वेव नहीं है। सर व्हाट इज द वेलोसिटी, किस तरफ जा रही है? अरे भाई जब ट्रेवलिंग वेव ही नहीं है तो पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन जा रही है, सारी बातें फर्जी हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, सब बातें बिल्कुल फर्जी हैं। बाकी तो बड़ा सवालों के जवाब तब देता ना जब ट्रेवलिंग वेव होती, अब तो पता ही नहीं बड़ा ट्रेवलिंग वेव, हमें पता है कि ट्रेवलिंग वेव नहीं है, तो बाकी सारे सवालों का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं रह जाता। तो दोनों दिख जाए टी प्लस एक्स बाई वी या टी माइनस एक्स बाई वी तो बोल देना कि ये ट्रेवलिंग वेव नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा होमवर्क बड़ा वेव ऑन स्ट्रिंग का तो एक बार स्टार्ट मत करना। तुम लोग SHM की एसेंशियल शीट निपटाओ और मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों ने निपटा भी दी होगी। बाद में बेटा तुम है ना अब धीरे धीरे उसकी एक्स्ट्रा एज करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले कर सकते हैं। ठीक है।